अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग हर वाफे से होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम अपने मोबाइल में कैसे इंस्टॉल करनी है और उस पर मीटिंग कैसे ज्वाइन करनी है। सबसे पहला काम ये करना है कि आपने प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। प्ले स्टोर में जाके माइक्रोसॉफ्ट टीम सर्च करनी है, माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये देखिए ऊपर आ रहा है, आपने इसको ओपन कर लेना है। अब मैंने पहले ही इंस्टॉल की हुई है, तो आप लोगों ने यहाँ से अपनी टीम को इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब सेकंड काम ये होता है कि इसमें लॉगिन कैसे करना है। इसी टीम को ओपन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखें, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए मेरा नेम शो हो रहा है, मोहम्मद ज़ीशान वगैरह, ठीक है। मैंने जो कुछ भी, आपने भी लॉगिन कर लेना है। अगर लॉगिन नहीं भी करते आप लोग, अगर प्राइवेट सेक्टर से हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से हैं, मतलब कि कुछ उनको आपको ना पासवर्ड वगैरह और वो ईमेल पासवर्ड और जो है यूज़र नेम देंगे वो, तो यहाँ पे आपने अपना यूज़र नेम, ईमेल या कुछ भी लिख के ना आगे आप साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कि साइन इन कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करनी है। अब जब मैं जो है मीटिंग जब स्टार्ट होती है, तो जो आपका ग्रुप बना हुआ है, जैसे हमारा एक ग्रुप बना हुआ है साइंस का, तो उसमें ही लिंक आएगा एक, ठीक है। मैंने वो ग्रुप ओपन नहीं किया, यहाँ पे मैंने खुद ही लिंक शेयर किया हुआ है। इस तरह का लिंक होगा, वो काफ़ी बड़ा सारा भी हो सकता है, जितना भी हो। आपने जस्ट इस पर एक मरतबा क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दो आपके पास ऑप्शन आते हैं, कुछ मोबाइल्स में डायरेक्ट ऐप से ओपन हो जाता है, कुछ में इस तरह के ऑप्शन होते हैं कि क्रोम से आप ओपन करना चाहते हैं या ऐप से। तो क्रोम से आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। बेहतर यही है कि आप ऐप इंस्टॉल कर लो। क्रोम से ये होता है कि यहाँ पर ज़्यादा नेट का इशू होता है, अगर ऐप हो तो वो ज़्यादा स्मूथ चलती है। तो यहाँ से हमने इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद वो ये जो मैंने लॉगिन किया हुआ था ना साइन इन, आपका साइन इन नहीं होगा जिन लोगों का, तो उनका आएगा एक ऑप्शन ज्वाइन एज अ गेस्ट। तो आपने ज्वाइन एज अ गेस्ट करना है, वहाँ पे आपका नेम मांगेगा, आपने अपना नेम वहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद मीटिंग जो है ज्वाइन कर लेनी है। अब ज्वाइन करने के बाद ये होता है कि काफ़ी सारे लोगों के माइक ऑन होते हैं, तो ये देखें ये मेरा माइक जो है वो ऑफ था, मैंने अभी ऑन किया। अगर आपने कुछ पूछना है तो आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। और कुछ मोबाइल इस अब आप न्यू इंस्टॉल करेंगे तो उसमें सेटिंग थोड़ी सी पहले ये है वो डिफरेंट होती है, तो यहाँ से जो है जो कैमरा है वो भी ऑन होता है आप लोगों का। तो आप लोगों ने कैमरे को भी यहाँ से चेक करते रहना है, कैमरा अपना बंद कर लेना। ये देखें अब कैमरा मेरा ऑन है, तो आपने यहाँ से अपना कैमरा भी बंद कर लेना है। यहाँ से आप लोग चैट देख सकते हैं, जो वहाँ पे चैट होगी ये आपकी चैट होगी, ठीक है। यहाँ पे आपको पार्टिसिपेंट शो होंगे कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट हैं, कौन जो है इस मीटिंग का ऑर्गेनाइज़र है, कौन होस्ट है, ठीक है। वो सारा कुछ आपको यहाँ पे शो होगा। आप कुछ अगर पूछना चाहते हैं वो भी आप चैट में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है ये स्पीकर में आप कर सकते हैं, अगर आपने हैंड फ्री लगाई हुई है तो आपको हैंड फ्री में आवाज़ आएगी। अगर आप स्पीकर ऑन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करके स्पीकर भी ऑन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर अपना कोई चीज़ शेयर करनी होती है तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई इशू हो जाता है तो आप होल्ड भी कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आपका हो गया। अगर आपने एंड करनी है तो यहाँ से आपने मीटिंग एंड भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मीटिंग एंड हो गई है, तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।